नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2023 का मध्य प्रदेश आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, मैं जानता हूं आप सभी लोग बड़ी तैयारी में लगे हैं और ये बड़ी मुश्किल घड़ी रहती है सभी के लिए। सभी लोगों को ये लगता है कि कैसे भी हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाए और हम अपने मुकाम तक पहुंच जाएं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सर आप लोगों के सामने क्यों उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की जो तैयारी है उसमें कल्याणी आईएएस की जो टीम है वो लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के द्वारा वीडियो बुक्स लाई जा चुकी हैं मार्केट में। आप सभी लोगों की जो डिमांड्स थी कि सर आप लोगों ने वीडियोस तो पब्लिक कर दिए, लेकिन हम लोगों को ये कंटेंट की जो परेशानी आ रही है उसका समाधान आप लोगों की तरफ से नहीं मिल रहा है। आप लोगों की इन्हीं परेशानियों को सुनने के बाद हम लोगों ने ये फैसला लिया था कि हम लोग अब इनको जो है एक मूर्त रूप देंगे और इनको बुक्स के रूप में आप लोगों के समक्ष ला के रखेंगे। और इन बुक्स में आप लोगों को हम लोग जो QR कोड दे रहे हैं उनको स्कैन करके आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप लोगों को अब चैनल पर जाकर के वीडियो सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस काम को करने में हमारी टीम को बहुत मेहनत करना पड़ी। दिन रात इस कार्य को हम लोगों ने 3 से 4 महीने में करके ख़त्म किया। और ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, आप सभी लोगों ने हमारे इस काम को बहुत सराहा है और बहुत सारा प्यार भी मिला हम लोगों को। और इसी सब के बाद अब हमें प्रेरणा मिली, हम लोगों को ताकत मिली है कि हम लोग अब प्रीलिम्स की वीडियो बुक्स भी मार्केट में लाएं आप लोगों के सामने। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग मुख्य परीक्षा के ही नहीं बल्कि प्रीलिम्स के वीडियोस भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। थोड़ा बहुत काम रह गया, वो भी हम लोग समय रहते पूरा कर लेंगे। तो आज मैं जो आपके सामने आया हूँ वो इसलिए आया हूँ कि आप लोगों को जो ये समस्या आ रही है कि इस 2 से 2.5 महीने के समय में सर हम अपनी तैयारी कैसे प्रीलिम्स की पूरी करें। तो ये छोटी सी सौगात है आप लोगों के लिए कि आप लोग जानते हैं कि 17 दिसंबर को हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए 17 दिसंबर तक प्रीलिम्स की सीरीज़ को हम लोग पब्लिक कर दें और दिसंबर के बाद हम लोग प्रीलिम्स की भी वीडियो बुक्स मार्केट में आप लोगों के साथ सामने ले आएंगे। दोस्तों, ये बहुत मेहनत लग रही है इस काम को करने में, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को हमारे चैनल को सर्च करना होगा कल्याणी आईएएस एकेडमी के नाम से। और जब आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको MPBSC प्री हिंदी मीडियम के सेक्शन पर जाना होगा। यहाँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयोग के द्वारा 10 यूनिट्स हमें प्रारंभिक परीक्षा में दिए गए हैं। इन 10 यूनिट्स को हमें तैयार करना है इस 2 से 2.5 महीने के समय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश GK के लिए यूनिट 1, 3 और 5, इस यूनिट के लिए श्री लखन दायमा सर के द्वारा जो है काफ़ी मेहनत से नोट्स तैयार किए गए हैं। तो यहाँ आपको लखन दायमा सर के लेक्चर्स मिलेंगे। इसके बाद यदि हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास, जैसे कि आप जानते हैं कि कम समय में इसको तैयार करना अपने आप में एक कठिन कार्य होता है। भारतीय इतिहास में मैंने कोशिश करी है कि आपको चार्ट्स, डायग्राम्स और पिक्चर्स, इमेजेस के माध्यम से उसको मैं सरल बना सकूं और आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। इसमें मैंने मैप और इन सभी चीज़ों का भलीभांति प्रयोग किया है। तो इन वीडियो लेक्चर्स को आप लोग देखिए तो आपको हो सकता है कि हिस्ट्री भी काफ़ी आसान लगने लगे। इसके अलावा यदि हम बात करें भूगोल की, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी को श्री प्रशांत पटेल सर के द्वारा डील किया गया है। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी हमारे प्रशांत पटेल सर ने ज्योग्राफी को बोर्ड प्रेजेंटेशन के द्वारा, ब्लैक बोर्ड प्रेजेंटेशन के द्वारा इन वीडियोज़ को बनाया है। उन्होंने यहाँ चार्ट, डायग्राम्स और मैप्स को बना करके और काफ़ी मेहनत से ज्योग्राफी आपको समझाई है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की, तो यहाँ इस सब्जेक्ट को भी श्री लखन दायमा सर के द्वारा डील किया गया है। और
यहाँ उन्होंने इस सब्जेक्ट को काफ़ी जगह से कवर करने की कोशिश करी है, जिसमें आप सभी लोगों को जितने भी पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान से संबंधित अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी इन डेप्थ डेप्थ में क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी डीप में आपको अब इसको पढ़ना होगा। तो लखन सर के द्वारा यहाँ काफ़ी मेहनत करी गई है और कोशिश करी उन्होंने कि आप लोगों को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े और सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मैं बात करूँ तो अभिषेक पटेल सर टेक्निकल काफ़ी जानकार हैं, टेक्नोलॉजी से काफ़ी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो उनके द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी डील किया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी डील किया गया है। इसके बाद जनरल साइंस की मैं बात करूं तो श्री चिराग कंसल सर के द्वारा जनरल साइंस को डील किया गया है और चिराग सर ने यहाँ बहुत मेहनत करी है वीडियोस को बनाने में। आप जानते हैं कि जैसे बायोलॉजी है या फिज़िक्स है तो बिना चार्ट्स, बिना मैप्स, बिना इमेजेस के इनको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ चिराग सर ने इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करने में, इनको बनाने में, पीपीटीज बनाने में बहुत मेहनत करी है। तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए तो आपको फिज़िक्स और बायोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। केमिस्ट्री अभिषेक पटेल सर के द्वारा डील करी गई है, वो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टेक्निकल जानकार हैं, वो साइंस के बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी इमेजेस और जो है चार्ट्स का प्रयोग किया है। इसके अलावा मैं बात करूं वापस से इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की, तो उसको वापस से प्रशांत पटेल सर के द्वारा डील किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने मुख्य परीक्षा की बुक्स को यदि देखा होगा, पढ़ा होगा, तो प्रशांत पटेल सर के द्वारा काफ़ी क्रिस्प और कंसाइज करने पर जोर दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा समय वेस्ट ना हो आपका पढ़ाई करने में, तो वो बहुत क्रिस्प और कंसाइज वे में जो है अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं। तो यहाँ कंप्यूटर्स को भी उन्होंने बहुत कंसाइज वे में प्रस्तुत किया है। इसके अलावा आयोग की बात करूँ तो वापस से श्री लखन दायमा सर के द्वारा उनको डील किया गया है। तो आयोग में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस देखे हमने, तो हमें काफ़ी यहाँ वहाँ से मैटर को कलेक्ट करना पड़ता है और बहुत मेहनत करना पड़ती है, तो यहाँ लखन दायमा सर ने वापस से चीज़ों को कंसोलिडेट किया है, सभी जगह से एकत्र किया है, बहुत मेहनत करी है उन्होंने।